रही हूँ बहुत आसान ढंग से, और इसके अंदर मैंने पनीर की स्टफिंग की है। तो जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ, बहुत ही आसान ढंग से। जी हाँ, इस किचन में मुश्किल वाला कोई काम नहीं होता। तो मेरे साथ बने रहें और इसके प्रोसेस को देखें। बस इसकी स्टफिंग में ब्रेड के अंदर पनीर को डालना ही एक हिकमत है, वरना तो सारा काम बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे लिए कितना आसान होने वाला है। पनीर मैंने घर में 1/2 लीटर दूध से बनाया है। इसके लिए दूध में उबाल आने पर मैंने चूल्हे से इसे उतार लिया है और 3 टेबल स्पून पानी में 1 टेबल स्पून सिरका मिलाकर इससे एक घोल तैयार किया है और उसी से धीरे धीरे दूध में डालते हुए दूध को फाड़ लेना है। अचानक ही गर्म दूध में सिरका डालकर दूध फाड़ने से छेना काफ़ी टाइट हो जाता है और इस तरह से छेना बनाने पर यह बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। कर्डल हो जाने के बाद हम इसे मलमल के बारीक कपड़े से छान लेंगे और इसकी एक पोटली सी बनाकर सारा पानी निचोड़ लेंगे। फिर उस पोटली को एक वज़नदार चीज़ से दबा कर रखेंगे ताकि सारा पानी निचोड़ कर निकल जाए। और अब जो इसकी डिस्क तैयार होगी, छेना डिस्क, उसे हम छेने के क्यूब बनाएंगे। जो पानी है उसे डिस्कार्ड कर देंगे। और यहाँ देखिए, इस क्यूब को बनाना बहुत ही आसान है। ये बिल्कुल सॉफ्ट क्यूब तैयार होगा और पनीर और छेने में मिलावट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे कभी भी मार्केट से नहीं लेना चाहिए। ताज़ा और फ्रेश पनीर घर में ही तैयार करना सबसे बेहतर है। आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट बना है। अब इसे हल्का सा दबा लें। मसाले में यहाँ पर हमने चिल्ली फ्लेक्स लिया है, नमक लिया है, चाट मसाला है, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और ये है धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, और साथ में है कसूरी मेथी। इन सब चीज़ों को हमें पनीर में टेस्ट के लिए डालना होगा। अब जो पनीर क्यूब्स हमने बनाया था उसके साथ मैंने स्वीट कॉर्न लिया है, पीस लिया है, ये दोनों फ्रोजन हैं। साथ में एक मीडियम साइज प्याज को आमलेट कट हमने काट लिया है और एक हरी मिर्च है जिसके बीज हमने निकाल लिए हैं। तो इन सब चीज़ों को एक साथ डाल देना है। इस तरह से बस हल्का सा हमें इसे क्रश करना है। ब्रेड की किनारियों को हमें काट लेना है ताकि ये कड़ा वाला पार्ट निकल जाए। अब एक प्याले में हमें पानी ले लेना है जिसमें ब्रेड के स्लाइसेस को हमें भिगोना होगा। बस इसे इसी तरह से निकाल लेना है और दबा दबा कर इसका पानी निचोड़ लेना है, बिल्कुल इस तरह के ये सूखा सा हो जाए। अब इसे यहीं पर पड़े रहने देना है और यहाँ पर हमें स्टफिंग भर लेना है इस तरह से, और इसके मुंह को फोल्ड कर देना है। ध्यान रहे कि ये पिंक वाला हिस्सा काट कर निकाल देना है। ये थोड़ा हार्ड होता है और इसे साटना मुश्किल हो जाता है। चलिए, तो इसे घुमा घुमा कर अब बिल्कुल कटलेट की तरह से या चॉप की तरह से इसे बना लेना है, जो कि बहुत ही आसान होता है। इसे 5 मिनट तक हम अगर पड़ा रहने देंगे तो इसका जो पानी है वो और अच्छी तरह से सूख जाएगा। अब उतने ब्रेड से हमारा ये 5 पीस ब्रेड रोल बनकर तैयार हो चुका है, तो अब बारी है इसे फ्राई करने की। तो तेल पहले से गर्म हो रहा है, तो अब इसमें मैं फ्राई कर लूँगी। आँच को धीमा कर देना है और धीमे ही आँच पर इसे फ्राई होने देना है।
इस ब्रेड रोल की खूबी ये है कि ये तेल बहुत कम लेता है ये तलने में, इसलिए आप एक बड़ी बैच भी इतने तेल में डालकर तल सकते हैं। अगर आपकी कढ़ाई में जगह है तो यहाँ पर 5 की बजाय 10 ब्रेड रोल डाला जा सकता था। जब एक बार आपको लगे कि अब ये क्रिस्प हो चला है और टूटने का डर नहीं है तो फ्लेम तेज करके आप इसे ब्राउन कर लें। तो देखिए अब ब्रेड रोल में काफ़ी क्रिस्पी कलर आ चुका है, ये ब्राउन हो चुका है, तो हम इसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों ये कितना क्रंची, कितना करारा बनकर रेडी हुआ है। और इसे जब तक तोड़ कर ना देखा जाए समझ में नहीं आता कि असल में अंदर से ये कैसा बना है। देखिए मुझे ये इसी तरह से क्रंची और तानेदार चाहिए था, इसीलिए मैंने कहा था कि पनीर को ज़्यादा मैश नहीं करना है। देखिए ये कितने अच्छी तरह से इसके अंदर पड़ा हुआ है। थोड़ा गर्म है इसलिए दिखाने में दिक्कत है, वरना आप समझ सकते हैं कि ये कितना अच्छा बना है। ये पनीर है हमारा, ये जब खाएंगे तो मुंह में बिल्कुल मलाई जैसा लगेगा। तो बनाना तो आपने देखा कितना इजी है, इसे बनाएं अगर आपको ये पसंद आया हो तो, और हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, हमें खुशी होगी। देखिए ये कितना क्रंची बना है और कितना टेम्प्टिंग दिख रहा है। तो बनाएं, खाएं और खिलाएं, और हमें दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी, किसी टेस्टी सी स्नैक्स या रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Bye-bye.